Hello and welcome on my YouTube channel Mohammad Zakaria, and today we will learn the 6th chapter of standard 12, that is tertiary economic activities, and this is the 4th lecture on this chapter. So our new point is tourism. Tourism is an important tertiary economic activity. So tourism जो है, it is a part of a tertiary economic activity. The tourism sector has grown tremendously in the last few decades. So जो tourism industries है, इसकी बहुत ज़्यादा development हुई है और बहुत ज़्यादा ये इसकी growth हुई है in the last few decades. तो जो पिछले कुछ decades से उसके अंदर जो 10 to 20 ईयर्स में टूरिज्म की इंडस्ट्री की बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है. लार्ज स्केल पर लोग जो अभी ट्रैवल कर रहे हैं, टूरिज्म को बढ़ावा मिला है. एट प्रेजेंट दिस ग्रोथ इज सीन ड्यू टू द अवेबिलिटी ऑफ एडवांस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टूरिज्म. तो ये जो ग्रोथ देखने में आई है टूरिज्म इंडस्ट्रीज के अंदर, उसका जो बेसिक रीजन है इसके ग्रोथ का, वो है अवेलेबिलिटी ऑफ एडवांस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. तो जितना एडवांस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डेवलप हुए है, उसकी वजह से टूरिज्म इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा डेवलप हुई है. तो इसके अंदर टूरिज्म को बढ़ावा देने में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले किया है, वो है ट्रांसपोर्टेशन में. और ट्रांसपोर्टेशन में भी अगर हम देखें एयर ट्रांसपोर्टेशन, एयरवेज, तो इसमें एयरवेज की वजह से भी जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसको बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है, यानी कि उसको बढ़ावा मिला है एयरवेज की वजह से. लोग जो है कम वक्त में वर्ल्ड के किसी भी एरिया के अंदर पहुंच सकते हैं और ट्रैवल जो है बहुत ही शॉर्ट टाइम में वो अपने हॉलीडे और जो वीकेंड्स वगैरह रहते हैं उसमें एंजॉय कर सकते हैं टूरिज्म किसी भी न्यू प्लेस में जाकर. तो एयरवेज की वजह से जो है टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है. और साथ ही साथ जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रहते हैं, यानी कि जो फैसिलिटीज रहती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, लाइक रोडवेज, रेलवेज, डैम, वाटर सप्लाई, तो ये सारी फैसिलिटीज़ की वजह से भी टूरिज्म इंडस्ट्रीज जो है बहुत ज़्यादा डेवलप हुई है. देन यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है रिलेटेड टू टूरिज्म. ट्राई दिस, सी द फॉलोइंग टू टेबल्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. तो यहाँ पर टू टेबल्स दिए गए हैं और यहाँ पर जो कंट्रीज है, तो ये कंट्रीज जो है, ये ऑल कंट्रीज जो है, ये आइलैंड्स वाली कंट्री है. तो यहाँ पर उनसे रिलेटेड हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं. सो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू द टेबल शो. तो ये टेबल क्या शो कर रहा है. सो टेबल 1 जो है डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म टू जीडीपी ऑफ सम रीजन इन परसेंटेज इन 2018. सो टेबल 1 जो है वो जीडीपी को रिप्रेजेंट कर रहा है थ्रू ट्रैवल. एंड टेबल 2 जो है इस रिप्रेजेंट द पीपल इंगेज इन टूरिज्म इन सम रीजन इन परसेंटेज इन 2018. तो टूरिज्म इंडस्ट्रीज के अंदर कितने पीपल इंगेज है उसे भी ये रिप्रेजेंट कर रहा है टेबल 2. यहाँ पर परसेंटेज में उसे रिप्रेजेंट किया गया है. देन क्वेश्चन नंबर 2, आर द कंट्रीज शोन इन द टेबल सेम. तो इसके अंदर जो कंट्रीज दी गई है दोनों टेबल में वो सेम नहीं है. तो इसमें जो 3 कंट्रीज है टेबल 1 एंड टेबल 2 में वो सेम है. मकाऊ, अरूबा एंड सियाचल जो है ये हमें दोनों टेबल में जो है दिखाई देंगी. और जो मालदीव्स है, ब्रिटिश आइलैंड है एंड सेंट लुसिया बहामास, ये डिफरेंट कंट्रीज है. दोनों टेबल में ये डिफरेंटली रिप्रेजेंट किए गए और 3 कंट्रीज जो है दोनों टेबल में हमें सेम दिखाई दे रही है. देन क्वेश्चन नंबर 3, लोकेट देम ऑन ए मैप ऑफ द वर्ल्ड. तो इन कंट्रीज को हमें मैप के ऊपर लोकेट करना है. तो इसमें यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है,
तो यही मैप जो है एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। इस तरह से जो एक्टिविटी में लोकेशन पूछी गई है इन कंट्रीज की, तो बोर्ड एग्जाम में भी यही कंट्रीज के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है मैप में। सो ये मैप पे कहाँ है इनकी लोकेशन वो देखेंगे हम। सो नंबर वन है यहाँ पर मालदीव्स, तो मालदीव्स जो है ये इंडिया के साउथ में है, इंडियन ओशन में ये आइलैंड है मालदीव्स। देन बहामास जो है ये जो कैरेबियन आइलैंड है यहाँ पर, इस जगह पर वो मौजूद है बहामा आइलैंड्स। देन मकाऊ जो है चाइना के साउथ में, यहाँ पर चाइना सी में मकाऊ आइलैंड है इस जगह पर। देन अरूबा आइलैंड यहाँ पर वेनिस विला के बहुत ही क्लोजली यहाँ पर ये मौजूद है, कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ अमेरिका के यहाँ पर नॉर्थ में ये बहामा आइलैंड अरूबा आइलैंड्स जो है वो लोकेटेड है। देन सियाचल्स, तो सियाचल आइलैंड जो है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के क्लोज है। यहाँ पर एक और आइलैंड है जिसका नाम है मेडागास्कर, तो मेडागास्कर के ये नॉर्थ डायरेक्शन में सियाचल आइलैंड जो है वो लोकेटेड है। देन सेंट लुसिया, तो सेंट लुसिया भी ये कैरेबियन सी जो है यहाँ पर ये मौजूद है, सेंट लुसिया आइलैंड। देन यहाँ पर एक और आइलैंड है ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, तो ये ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड भी जो है वो इसी जगह पर कैरेबियन आइलैंड के ऊपर मौजूद है, तो यही पर उसकी लोकेशन आएंगी बहामास के ही क्लोज में। तो ये सब इनकी लोकेशन है, तो जितने भी ये कंट्रीज दिए गए टेबल में ये सब आइलैंड्स वाली कंट्रीज है, सब समंदरों से घिरी हुई है फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, और ये एक बहुत टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है फॉर द ब्यूटीफुल बीचेस एंड कोस्टल एरिया की वजह से। ये बहुत ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर ट्रैवल करना पसंद करते हैं इन आइलैंड्स वाली कंट्रीज में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 4। कैन यू टेल व्हाई कंट्रीब्यूशन ऑफ टूरिज्म इज हाई इन दिस कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट? तो ये हम बता सकते हैं कि क्यों यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन है टूरिज्म का वो बहुत ज्यादा है और जीडीपी भी उसकी बहुत ज्यादा पाई जाती है इस जगह पर। और क्वेश्चन नंबर 5 भी हम दोनों एक साथ कवर करेंगे। कंक्लूडिंग पैराग्राफ लिखना है हमें, फैक्टर्स अफेक्टिंग टूरिज्म एज एन ऑक्यूपेशन। तो इस पर दोनों क्वेश्चन को हम एक साथ कंट्रोल कवर करेंगे। सो उसके आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 के, लुकिंग एट द कंट्रीज गिवन इन द टेबल यू विल नोटिस दैट मोस्ट ऑफ दिस रीजन्स आर आइलैंड कंट्रीज। तो ये सब आइलैंड्स कंट्रीज है। देन देयर फॉर द क्लाइमेट, नेचुरल ब्यूटी ऑफ द रीजन, अवेबिलिटी ऑफ द लैंड एंड सी एडवेंचर स्पोर्ट्स, टूरिज्म इज मेजर कंट्रीब्यूटर टू द कंट्रीज जीडीपी। तो कंट्री का जो जीडीपी है उसके अंदर जो टूरिज्म है एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और बहुत ज़्यादा उसमें उसका टूरिज्म इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन है। लोग जितने ज़्यादा ट्रैवल करते हैं वहाँ पर, तो उन्हें उतना जो है रिवेन्यू मिलता है कंट्रीज को, रेस्टोरेंट देन लॉजिंग फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, तो इस तरह के बहुत सारे यहाँ पर एडवेंचर स्पोर्ट्स जो है वो अवेलेबल है, तो जिसकी वजह से वहाँ पर जो पीपल है वो इस इंडस्ट्रीज में इंगेज होते हैं, टूरिज्म इंडस्ट्रीज में। तो अगर हम परसेंटेज देखें यहाँ पर इन कंट्रीज का, नियर अबाउट 25% से 30% के क्लोज में जो है पीपल इंगेज है इन आइलैंड वाली कंट्रीज के टूरिज्म इंडस्ट्रीज में। तो ये 1/3 पॉपुलेशन नियरली जो है ये इस सेक्टर से जुड़ी हुई है टूरिज्म इन कंट्रीज की। ऑल्सो द पॉपुलेशन एम्प्लॉयड इन टूरिज्म इन इज हायर। सो यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादातर टूरिज्म इंडस्ट्रीज के अंदर इंगेज है। तो ये सारे आंसर हो गए इस टेबल के। देन द फॉलोइंग ज्योग्राफिकल फैक्टर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ टूरिज्म इन ए रीजन। तो जो टूरिज्म है उस पर बहुत सारे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स जो है वो एक अपना इफेक्ट करते हैं, यानी कि जहाँ पर फेवरेबल ज्योग्राफिकल कंडीशन होती है वहाँ पर टूरिज्म को बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलती है, और जहाँ पर अनफेवरेबल ज्योग्राफिकल कंडीशन होती है वहाँ पर टूरिज्म सेक्टर जो है वो
लेस डेवलप होता है। द साइट एंड सिचुएशन ऑफ ए प्लेस, क्लाइमेट, रिलीफ, एल्टीट्यूड, बायोडायवर्सिटी, एक्सेसिबिलिटी, अवेबिलिटी ऑफ वाटर आर इम्पोर्टेंट फिजिकल फैक्टर्स। तो जो साइट एंड सिचुएशन रहती है, जो लोकेशन रहती है, फॉर एग्जांपल माउंटेनियस लोकेशन, कोस्टल लोकेशन, आइलैंड, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है किसी भी एरिया में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। देन क्लाइमेट उस एरिया का, जहाँ पर फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन रहेंगी उस एरिया में लोग ट्रैवल करना पसंद करते हैं, जहाँ पर अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन रहेंगे, बहुत हैवी रेनफॉल होगा, देन बहुत ज़्यादा हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट रहेगा, तो इसी एरिया में ट्रैवल करना लोग जो है वो अवॉइड करते हैं। देन रिलीफ, तो वहाँ पर जो अर्थ सरफेस है, ज़मीन की बनावट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रखती है। देन एल्टीट्यूड, तो जो हाइट है उस एरिया की, जिसे एल्टीट्यूड कहा जाता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। देन बायोडायवर्सिटी, तो बायोडायवर्सिटी मीन्स जो प्लांट्स एनिमल होते हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। ये एक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल जो है सीन वहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, जितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी रहेंगी उस एरिया के अंदर, तो उतने ज़्यादा वहाँ पर ब्यूटीफुल सीनरी हमें दिखाई देती है। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स, देन कलरफुल जो है फ्लावर्स वहाँ पर अवेलेबल होते हैं, तो एक बहुत ही, फॉर एग्जाम्पल इन मेडिटेरियन सी की जो है बायोडाइवर्सिटी बहुत ही वर्सेटाइल है, इसलिए मेडिटेरियन सी के अंदर जो है टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। देन एसेसिबिलिटी, तो एसेसिबिलिटी मीन्स वहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है वो बहुत ज़्यादा डेवलप होनी चाहिए, यानी कि वहाँ पर जो रीच होने के लिए बहुत ही इजीली वहाँ पर हमें पहुँचना चाहिए, यानी कि वो वहाँ पर किसी तरह की रुकावट ना हो वहाँ पर पहुँचने के लिए उस एरिया के अंदर। देन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वहाँ पे वाटर सप्लाई होना चाहिए, लाइक रिवर, देन लेक, ये भी वहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए, तो ऐसे एरिया के अंदर जो है टूरिज्म इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा डेवलप होती है। तो ये सब फिजिकल फैक्टर्स है। देन वाइल ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, लॉजिंग एंड बोर्डिंग फैसिलिटीज, कल्चरल डाइवर्सिटी, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड पॉलिटिकल कंडीशंस इन ए कंट्री आर इम्पोर्टेंट ह्यूमन फैक्टर्स अफेक्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म। तो जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है वो भी टूरिज्म को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, यानी कि जिस एरिया के अंदर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बहुत ज़्यादा डेवलप होती है तो वहाँ पर लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, क्योंकि इजीली वहाँ तक उन्हें पहुँच सकते हैं ट्रैवल करते हुए कम टाइम के अंदर। फॉर एग्जांपल गुड रोडवेज नेटवर्क, रेलवे, वाटरवेज एंड जो है एयरवेज, ये सारी फैसिलिटीज जहाँ पर अवेलेबल होती है वो बहुत ज़्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते अपने तरफ। देन वहाँ पर लॉजिंग एंड बोर्डिंग फैसिलिटीज होना चाहिए, जितनी ज़्यादा लॉजिंग एंड बोर्डिंग फैसिलिटी रहेंगी उतने ही लोगों को वहाँ पर जो है स्टे करने के लिए जो है फैसिलिटी मिलेंगी, और वहाँ पर वो ज़्यादा दिनों तक स्टे कर सकते हैं। देन कल्चरल डाइवर्सिटी, यानी कि उस एरिया में कल्चरल डाइवर्सिटी भी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जो इंडियन कल्चर है, ये हमारा बहुत डाइवर्सिटी पाई जाती है, अलग अलग लैंग्वेज, अलग उनके कल्चर होते हैं, ट्रेडिशन एंड जो कस्टम होते हैं, फेस्टिवल डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें डाइवर्सिटी देखने मिलती है। तो बहुत सारे जो यूरोपियन कंट्रीज के लोग हैं वो इंडियन कल्चर को यहाँ पर जो है देखने के लिए ट्रैवल करते हुए इंडिया में आते हैं। देन गवर्नमेंट पॉलिसी भी जो है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो है वो फैसिलिटीज जो है प्रोवाइड करती है और उसकी एडवर्टाइजमेंट करती है अपने जो मेन प्लेसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल जो इंडियन गवर्नमेंट की जो एड आती थी, आपको याद होगा इनक्रेडिबल इंडिया, जिसे आमिर खान जो है उस एड के जो थे ब्रांड एम्बेसडर थे, तो जो हमारे प्लेसेस है टूरिज्म प्लेस, उसको वहाँ पर उस एड में जो है उसे शो किया जाता था। एंड पॉलिटिकल कंडीशन इन ए कंट्री, यानी कि उस कंट्री के अंदर पॉलिटिकल कंडीशन कैसी है, यानी कि वहाँ पर पीसफुल वहाँ पर कंडीशन होनी चाहिए, अगर वहाँ पर पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट हो उस कंट्री के अंदर, तो ऐसी कंट्री के अंदर जो है टूरिज्म
टूरिज्म को ये बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होती। तो जिस कंट्री के पॉलिटिकल कंडीशन बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है, पीस होता है, तो ऐसे कंट्री में लोग ज़्यादा ट्रैवल करना पसंद करते हैं फॉर ए सेफ्टी रीज़न। सो ये सारे फैक्टर्स जो ये सब ह्यूमन फैक्टर्स है जो किसी भी एरिया के अंदर टूरिज्म के डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। देन यहाँ पर फिर से एक एक्टिविटी है, यूज योर ब्रेन पावर। सो यहाँ पर टेबल है, गिवन बिलो आर कंट्रीज विच आर लिस्ट डिपेंडेंट ऑन टूरिज्म। लोकेट दिस कंट्रीज ऑन ए मैप, एक्सप्लेन द ज्योग्राफिकल फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इन दिस कंट्रीज। तो यहाँ पर इस टेबल के अंदर कंट्रीज दिए गए हैं और यहाँ पर जो परसेंटेज है टूरिज्म इंडस्ट्रीज का वो दिया गया है, जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये बहुत ही लेस जो है डिपेंडेंट है टूरिज्म के ऊपर, बहुत ही कम कंट्रीब्यूशन है जीडीपी के अंदर, 1% और 1% से भी कम यहाँ पर ये कंट्रीब्यूट करते हैं। यानी कि टूरिज्म इंडस्ट्री यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुई है, लोगों को ये अपने तरफ अट्रैक्ट नहीं करते ये कंट्रीज। तो इसकी लोकेशन से हमें पता चलेगा कि क्यों यहाँ पर इन कंट्रीज के अंदर टूरिज्म को बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिली है। सो मैप पर हम देखेंगे जो फर्स्ट है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, देन पापुआ न्यू गिनी एंड जो गैबोन है, ये तीन कंट्री देखेंगे हम इस टेबल से। तो इनका जो परसेंटेज देखिए 0.66 है, देन पापुआ न्यू गिनी में फिर से 0.66 एंड गैबोन में 1.02% जो है पीपल इंगेज है इन टूरिज्म इंडस्ट्रीज में। तो ये तीनों भी कंट्रीज जो ये इक्वेटर रीजन में आती है, यानी कि ये इक्वेटर के करीब है, जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है हमारा, ये इस जगह पर तीनों कंट्रीज जो है मौजूद है, 0 डिग्री लैटिट्यूड जो है यहाँ पर। इस तरह की लाइन अगर ड्रॉ करें हम तो ये इक्वेटोरियल रीजन में आते हैं सारी कंट्रीज, जहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है और बहुत ज़्यादा हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है इस एरिया के अंदर। यानी कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर टेम्परेचर रहता है और बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होने की वजह से इस एरिया की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो अनफेवरेबल है फॉर द पीपल। एंड जो वहाँ पर लैंड होता है वो बहुत ज़्यादा मार्शी होता है, दलदली एरिया बन जाता है बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल की वजह से। तो इस रीज़न की वजह से इन तीनों कंट्रीज के अंदर टूरिज्म करना लोग पसंद नहीं करते। देन उसके बाद है उज्बेकिस्तान एंड मालदोवा। तो ये जो दोनों कंट्रीज है ये चारों तरफ से लैंडलॉक है, यानी कि यहाँ पर कोई कोस्टल एरिया वगैरह नहीं है, चारों तरफ से अदर कंट्रीज है यहाँ पर इसके सराउंडिंग में, तो ये पूरी तरह से लैंडलॉक है। और यहाँ के जो क्लाइमेट है ये भी बहुत ही अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन यहाँ पर पाई जाती है, बहुत ही कम रेनफॉल होता है इस कंट्रीज के अंदर। तो यहाँ पर अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन देन लैंडलॉक होने की वजह से भी यहाँ पर टूरिज्म को बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिल पाई है। तो ये रीज़न है इन कंट्रीज के अंदर टूरिज्म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा नहीं मिला है। तो इस कंट्रीज के जो यहाँ पर मैंने लोकेशन बताई है, इसका मैप भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं एग्जाम में, ये कंट्रीज की लोकेशन आपसे पूछी जा सकती है बोर्ड के एग्जाम में। देन न्यू पॉइंट इज कम्युनिकेशन। मैन यूजेस डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन टू एक्सप्रेस व्हाट ही वांट्स टू से एंड मेक्स इट रीच अदर ह्यूमंस। तो जो मैन है वो डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का यूज करता है टू एक्सप्रेस, तो जो भी वो एक्सप्रेस करना चाहता है, जो कहना चाहता है वो उसको एक्सप्रेस करने के लिए अलग अलग तरह के मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज करता है और दूसरे तक वो अपने जो है बात को पहुंचाता है, जो कहना चाहता है अपनी बात उसे दूसरों को अलग अलग तरीकों से, अलग अलग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू वो दूसरे तक पहुंचाने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल डिपिक्शन थ्रू पिक्चर्स, सिंबॉल्स, वर्बल कम्युनिकेशन यूजिंग साइन, बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर एक्सेट्रा। तो इन तरीकों से हम जो है हम क्या कहना चाहते हैं या कोई इंसान क्या कहना चाहता है वो हम दूसरे तरीके को जो है डिपिक्शन थ्रू पिक्चर्स, पिक्चर के थ्रू भी हम पहुंचा सकते हैं हम क्या बताना चाहते हैं दूसरे को, या साइन एंड सिंबल का यूज कर सकते हैं
कोई भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, या डायरेक्टली वर्बल कम्युनिकेशन कर सकते, यानी कि डायरेक्ट हम टॉक कर सकते हैं सामने वाले से वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू, एंड यूजिंग साइन, साइन का भी यूज़ कर सकते हैं हम, कोई भी साइन एंड सिंबल के जरिए भी हम अपनी जो कहना चाहते हैं हम उसे हम पहुंचा सकते हैं सामने वाले को। डैन बॉडी लैंग्वेज भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, अपनी जो फीलिंग है या अपनी जो बात है वो सामने वाले तक पहुंचाने के लिए बॉडी लैंग्वेज एंड पोस्चर, ये सारी चीज़ों से हम जो है अपनी जो कहना चाहते हैं हम वो सामने वाले को हम पहुंचा सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं थ्रू वेरियस वेज। इन अर्लियर टाइम्स द ट्राइबल पीपल यूज कलर स्मोक टू कम्युनिकेट। तो जो ट्राइबल पीपल होते थे आज से बहुत साल पहले, ये कलर स्मोक का यूज करते थे कम्युनिकेशन करने के लिए एक दूसरे से। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इनिमी का अटैक हो जाए तो वो सामने वाले को पहले से ही जो है अवेयर करने के लिए, लोगों को बिल्कुल वहाँ पर तैयार प्रिपेयर करने के लिए पहले से ही उन्हें एक सिग्नल देते थे कलर स्मोक का, जिससे वो समझ जाते थे कि कोई खतरा है या कोई खतरनाक सिचुएशन हमें होने वाली है। तो इस तरह से जो ट्राइबल पीपल जो है कलर स्मोक का यूज करते थे किसी भी चीज़ को जलाकर। नाउ इन रिसेंट टाइम्स वी यूज टेलीफोन्स, मोबाइल्स, इंटरनेट एक्सेट्रा टू कम्युनिकेट। तो हम अभी रिसेंट टाइम के अंदर जो डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है उसका यूज करते हैं अपनी बात को सामने वाले को एक्सप्रेस करने के लिए। टेलीफोन से जिसमें मोबाइल है, इंटरनेट है, और भी बहुत सारी चीज़ों के हम जो है यूज करते हैं इन मॉडर्न डेज। सो यहाँ पर फिर से एक एक्टिविटी दी है कम्युनिकेशन के ऊपर, कैन यू टेल, और यहाँ पर इसमें एक यहाँ पर बिल्कुल एक टाइमलाइन की तरह दिया गया है, जिसमें जो मैन स्टार्टेड लिविंग इन ग्रुप वहाँ से शुरू किया गया है, यानी कि एंशियंट टाइम से ये जो है टाइमलाइन जो है उसे रिप्रेजेंट किया गया है। मैन स्टार्टेड लिविंग इन ए ग्रुप्स, और यहाँ पर है प्रेजेंट डे, तो जिसके अंदर इस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। सो क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट आर द लिस्ट ऑफ आइटम्स मेंशन इन ए टाइमलाइन रिलेटेड टू। तो ये टाइमलाइन किससे रिलेटेड है और किसे ये मेंशन कर रही है। तो आवर आंसर इज इन दिस लिस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर मेंशन। तो ये जितने भी यहाँ पर नेम्स दे गए हैं ये सब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये सब रिप्रेजेंट कर रहे हैं टाइमलाइन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को। फॉर एग्जाम्पल, कलर स्मोक, मैसेंजर, हॉर्समैन, पोस्टमैन, टेलीग्राफ। तो किस तरह से कम्युनिकेशन की डेवलपमेंट हुई है वो भी इसमें हमें रिप्रेजेंट हो रही है, यानी कि पहले जो इंसान कलर स्मोक का यूज़ करता था, फिर डेवलपमेंट हुई मैसेंजर का यूज़ करने लगा, फिर हॉर्समैन एंड कैमल मैन जो इस तरह से किसी भी मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह उसे पहुंचाते थे, देन पोस्टमैन, टेलीग्राम, फैक्स, इस तरह से डेवलपमेंट होते गए, टेलीफोन, रेडियो हैम, रेडियो, टीवी, पेजर, ईमेल, मोबाइल एंड सैटेलाइट फोन्स जो है ये प्रेजेंट डे में हमारे यूज़ कर रहे हैं। तो ये हिस्ट्री से किस तरह से एवोल्यूशन हुआ है इन कम्युनिकेशन, ये टाइमलाइन उसे भी रिप्रेजेंट कर रही है। देन विच ऑफ दिस मीन्स आर यू अवेयर ऑफ। तो इनमें से कौन से मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन से आप अवेयर है, यानी कि आपको पता है और या आपने इन्हें देखा है। तो इसमें से हमें हमारा जो आंसर रहेगा वो नंबर 3 रहेगा, टेलीफोन, देन रेडियो, टेलीविजन, ईमेल, मोबाइल, ये हमने यूज़ किया है और हम इसे यूज़ करते हैं तो हम इससे अवेयर भी है। देन क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ दिस मीन्स डू यू एक्चुअली यूज़। तो हमने इनमें से कौन से मीन्स को एक्चुअल में यूज़ किया गया है। तो हमारा जो आंसर रहेगा टेलीफोन, रेडियो, टीवी, ईमेल, मोबाइल फ़ोन, एक्चुअल में हमें इन्हें यूज़ भी किया है। और अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 का देखें तो इसने हमें अवेयर पूछा था, तो अवेयर में हम फैक्स से भी अवेयर है, देन टेलीग्राम, पोस्टमैन, इनके बारे में भी हमें पता है। बट ये अभी जो हमने एक्चुअल में यूज़ किए जो चीज़ें वो है टेलीफोन, रेडियो,
टेलीविजन, ईमेल, मोबाइल, इसको हम एक्चुअल में यूज किया है। देन क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ दिस आर नाउ आउटडेटेड, तो इनमें से कौन से मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो आउटडेटेड हो गए हैं, यानी कि उनका यूज जो है बहुत ही कम किया जाता है या बहुत ही वो पुराने हो गए ये सिस्टम। तो उसमें कलर स्मोक, तो कलर स्मोक का भी बहुत ही कम यूज किया जाता है। देन मैसेंजर हो गए, हॉर्समैन, कैमलमैन, ये भी आउटडेटेड हो चुके हैं। देन पोस्टमैन जो है ये आज भी है, लेकिन अभी ये लिमिटेड हो गया है, ये पोस्टमैन का वर्क भी। देन टेलीग्राम आउटडेटेड हो गया है। फैक्स जो है ये अभी भी ईमेल वगैरह आने की वजह से ये भी अभी आउटडेटेड हो चुका है। देन यहाँ पर पेजर देखे हम, तो पेजर जो है ये प्रेजेंट डे की टेक्नोलॉजी थी, लेकिन बहुत ही कम टाइम में ये भी आउटडेटेड हो चुकी है पेजर की टेक्नोलॉजी। तो ये सारी जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है ये आउटडेटेड हो चुके हैं, और प्रेजेंटली हम टेलीफोन, टीवी, रेडियो, मोबाइल, ईमेल, सैटेलाइट फोन जो है ये इनका यूज करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट कुड बी द रीजन फॉर देम गेटिंग आउटडेटेड, तो ये जो सब चीजें आउटडेटेड हो गई है, कलर स्मोक, मैसेंजर, हाउसमैन, पोस्टमैन, पेजर, तो इनका आउटडेटेड होने का रीजन क्या है? तो उसका बेसिक रीजन ये है कि ये सारे चीजों की जो स्पीड थी मैसेज डिलीवर करने के लिए एक एरिया से दूसरी एरिया में, वो बहुत ही स्लो थी, बहुत ही ज्यादा उसमें टाइम कंज्यूम होता था एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए, और बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आती थी एक जगह से दूसरी जगह पर एक मैसेज को पहुंचाने के लिए। तो इस तरह से ये जो दूसरे एडवांस अभी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये बहुत ही कम टाइम में जो है वो इंफॉर्मेशन सामने वाले तक डिलीवर करते हैं, इसलिए ये सब आउटडेटेड हो चुके हैं, मेन रीजन ये है उसका। देन क्वेश्चन नंबर 6, कैन यू ऐड मोर टू द लिस्ट, तो हम इस लिस्ट में और क्या ऐड कर सकते हैं जिसका हम यूज करते हैं एज ए कम्युनिकेशन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसमें हम सोशल मीडिया जो है उसे भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, लाइक ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये भी अब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का एक पार्ट है, जिससे हम इंफॉर्मेशन जो है या हमें क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं जो चीज़ें हम सामने वाले तक जो है उसे पहुंचा सकते हैं। तो ये सब फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर भी एक पार्ट हो गया है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का इन प्रेजेंट डे। देन नेक्स्ट, दिस इज द ईरा ऑफ इंफॉर्मेशन, तो ये जो ईरा है जो प्रेजेंटली, ये ईरा जो है ये इंफॉर्मेशन का ईरा है। वन हु हैज इंफॉर्मेशन इज कंसिडर्ड टू बी द पायोनियर इन मेनी थिंग्स, यानी कि जिसके पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है वो इस ईरा के अंदर एक पायोनियर की तरह जो है वो कंसिडर किया जाता है। ईच कंट्री इज ट्राइंग टू स्टे अप टू डेट विथ सच इंफॉर्मेशन, तो हर कंट्री जो है ये अप टू डेट रहना चाहती है अपने टाइम के लिहाज से, बहुत ज़्यादा एक दूसरे में इनमें अप टू डेट रहने की एक इंफॉर्मेशन में एक कॉम्पिटिशन होता है कौन कितना अप टू डेट रहता है वर्ल्ड के अंदर, और जो जितना ज़्यादा अप टू डेट होता है वो उतनी ज़्यादा उसकी डेवलपमेंट होती है वर्ल्ड में। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन कम्युनिकेशन हैज इंक्रीज्ड मेनी फोल्ड, तो जो यूज है कम्युनिकेशन का उसमें बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का भी यूज किया जा रहा है, और जिसकी वजह से जो कम्युनिकेशन के बहुत सारे मेनी फोल्ड है, यानी कि अलग अलग उसकी जो टाइप्स है उसमें बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होते जा रही है कम्युनिकेशन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल यूज ऑफ सेटेलाइट्स, तो यूज ऑफ सेटेलाइट जो है वो डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है, बहुत सारे सेटेलाइट जो है वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज जो है वो हमारे सेटेलाइट जो है वो लॉन्च कर रही है, और वहां पर एटमॉस्फियर में और यहाँ पर सेटेलाइट जितने ज्यादा कंट्री के होते हैं उतनी ज्यादा ज्यादा इंफॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड होती है थ्रू द सेटेलाइट्स। दिस सेटेलाइट्स इन स्पेस वर्क फॉर कम्युनिकेशन डे एंड नाइट, तो ये जो सेटेलाइट्स होते हैं ये स्पेस में वर्क करते हैं एंड कम्युनिकेशन के लिए डे एंड नाइट में ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेटेलाइट की वजह से जो हम टेलीविजन जो है देख सकते हैं,
ये सिग्नल प्रोवाइड करता है, टेलीविजन के अलग अलग प्रोग्राम्स उस पर रन होते हैं, देन जो मोबाइल होता है, मोबाइल के जो नेटवर्क होते हैं ये भी सिग्नल के थ्रू ही सेटेलाइट के थ्रू हम तक पहुंचते हैं, और उसकी मदद से हम मोबाइल पर जो है बात कर सकते हैं। तो इस तरह से सेटेलाइट जो है बहुत ज़्यादा ये कम्युनिकेशन के अंदर बहुत ही एक इम्पोर्टेंट फीचर्स है, जिसके ऊपर टेलीविजन, रेडियो, देन टेलीविजन, रेडियो और मोबाइल फोन ये सब डिपेंड होते हैं सेटेलाइट के नेटवर्क के ऊपर, सेटेलाइट के सिग्नल के ऊपर। दे गिव अस ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वेरियस फिजिकल एंड ह्यूमन फैक्टर्स ऑन द अर्थ। तो ये जो सेटेलाइट से ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हैं, फिजिकल फीचर्स एंड ह्यूमन फैक्टर्स जो है अर्थ सरफेस के ऊपर, यानी मीन्स वो हमें सेटेलाइट इमेजेस प्रोवाइड करते हैं। सेटेलाइट जो है सिर्फ सिग्नल प्रोवाइड नहीं करते हैं, बल्कि उन पर कैमरे भी अटैच रहते हैं जो सेटेलाइट इमेजेस हमें जो है प्रोवाइड करते हैं अर्थ सरफेस की। तो जिसकी वजह से हमें अर्थ सरफेस पे जो फिजिकल फीचर्स है वो भी हमें क्लियर जो है दिखाई देते हैं, किस एरिया की किस तरह की फिजिकल फीचर्स है, कौन से कंट्री के, और वहाँ पर ह्यूमन फैक्टर किस तरह के है, यानी कि पॉपुलेशन वहाँ पर कैसी है, या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोडवेज, रेलवेज, ये भी हमें जो है स्पेस वर्क की वजह से सेटेलाइट की मदद से उस एरिया की इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड होती है। फॉर एग्जाम्पल डेली एटमॉस्फेरिक कंडीशन, तो जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन रहती है ये इसकी इंफॉर्मेशन भी हमें सेटेलाइट के थ्रू मिलती है। देन जो साइक्लोन्स होते हैं, और तो साइक्लोन का किस एरिया में आने वाले हैं, उसकी डायरेक्शन कहाँ पर है, और किसने टाइम के बाद वो कौन से एरिया में पहुँचेगा, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन भी हमें सेटेलाइट के थ्रू ही दिखाई देती है। न्यूज़ में अक्सर देखते होंगे एक पूरा सेटेलाइट से हमें वो इन्फॉर्मेशन बताई जाती है कि कौन से एरिया में साइक्लोन जो है वो डेवलप हुए है, और उस कौन से एरिया की तरफ वो बढ़ रहे हैं। देन मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ लुकिंग फॉर मिनरल रिजर्व, तो ये मिनरल रिजर्व को भी वहाँ से जो उसकी इमेजरीज प्रोवाइड करते हैं। ऑब्टेनिंग द लेटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड ऑफ ए प्लेस, तो ये लेटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड्स की इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं, कौन से एरिया में का लेटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स कितना है। फॉर एग्जाम्पल जो हम मोबाइल के अंदर लोकेशन यूज करते हैं जीपीएस, तो ये जीपीएस के सिग्नल भी हमें सेटेलाइट के थ्रू ही मिलते हैं। तो और लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड जो लोकेशन होती है किसी एरिया की, इसकी इंफॉर्मेशन भी हमें सेटेलाइट के थ्रू ही उस एरिया की मिलती है। तो ये एक बहुत ही डेवलपमेंट हो गई है सेटेलाइट के थ्रू इन कम्युनिकेशन। देन ऑल दिस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर यूज्ड फॉर रीजनल डेवलपमेंट ऑन ए लार्ज स्केल। तो ये जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, फॉर एग्जाम्पल सेटेलाइट, तो ये सारे जो है किसी भी एरिया के रीजनल डेवलपमेंट में इनका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। रीजनल डेवलपमेंट जो है, रीजनल प्लानिंग जिसे कहते हैं, वो सेटेलाइट इमेजरी के थ्रू भी रीजनल प्लानिंग जो है वो की जा रही है बहुत सारे कंट्रीज के अंदर। द एक्सटेंट एंड स्कोप ऑफ दिस टर्शरी एक्टिविटी एंड दिस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो जो कम्युनिकेशन का एक्सटेंड, यानी कि जो फैलाव और जो स्कोप है कम्युनिकेशन का टर्शरी एक्टिविटी के अंदर, ये बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन, डे बाय डे वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता जा रहा है कम्युनिकेशन का रोल इसके अंदर टर्शरी एक्टिविटी में। देन यहाँ पर फिर से एक एक्टिविटी है, यूज़ योर ब्रेन पावर, तो यहाँ पर हमें अपने ब्रेन की पावर यूज़ करनी है। आर मैप्स ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो जो मैप हम यूज़ करते हैं कि ये भी एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, तो हमारा जो आंसर है वो है यस। तो मैप ऑल्सो ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इट ऑल्सो रिप्रेजेंट द वेरियस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्लेस, देन वहाँ के जो पॉलिटिकल फीचर्स रहते हैं, देन फिजिकल फीचर्स रहते हैं, ह्यूमन फैक्टर्स रहते हैं मैप के ऊपर, ये डिफरेंट साइन एंड सिंबल की थ्रू जो है रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि किसी भी कंट्रीज की जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, चाहे वो इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूशन हो, एग्रीकल्चरल डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसे साइन एंड सिंबल के थ्रू जो है मैप पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। देन डिफरेंट सिटीज, उनका एरिया, ये सारी चीज़ें जो है मैप के ऊपर रिप्रेजेंट किए जाते हैं। और इस तरह से जो डिजिटल मैप है, फॉर एग्जांपल
गूगल मैप्स वगैरह, ये एज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी यूज़ किए जाते हैं। नेविगेशन उससे पॉसिबल होता है, किसी भी एरिया की ये लोकेशन जो है वो बिल्कुल ही एग्जैक्ट लोकेशन रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्टेंस उसमें बताते हैं कौन से एरिया के बीच में कितना डिस्टेंस है और कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हम यूज़ कर सकते हैं उस एरिया तक पहुंचने के लिए। ये सारी चीज़ें जो है मैप प्रोवाइड करता है, तो इसलिए जो मैप है ये एज ए कम्युनिकेशन में इंक्लूड होता है। कैन यू टेल विच प्रैक्टिकल्स ऑफ ज्योग्राफी फॉर क्लास 11th एंड क्लास 12th हैव यू कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ सेटेलाइट्स। तो हमने जो प्रैक्टिकल्स हमें दिए गए टेक्स्ट बुक में स्टैंडर्ड 11th और स्टैंडर्ड 12th के अंदर, तो इसमें से कौन से प्रैक्टिकल जो है हमें कैरी आउट करने हैं सेटेलाइट की मदद से। तो जो 11th में प्रैक्टिकल था टोपोग्राफिकल मैप ऑफ SOI सर्वे ऑफ इंडिया, तो ये 11th में ये प्रैक्टिकल में हमने सेटेलाइट की यूज़ किए थे। देन स्टैंडर्ड 12th में जो है उसमें हमें जो फर्स्ट प्रैक्टिकल है डाटा कलेक्शन थ्रू ऐप, तो इसमें भी हमें मोबाइल की लोकेशन जो है वो ऑन रखनी है, GPS को ऑन रखना है, जिससे किस उस एरिया में जहाँ पर हम सर्वे कर रहे हैं उसकी लोकेशन वो वहाँ पर हमें रिप्रेजेंट कर लेगा उस एरिया की, और हमें उसकी इंफॉर्मेशन जो है बाद में डाटा कलेक्शन के बाद हमें यूज़ करना रहेंगे, यूटिलाइज करना रहेगा उस इंफॉर्मेशन को। जो क्लास 11 में 12th का जो फर्स्ट प्रैक्टिकल है सर्वेइंग थ्रू ऐप, तो ये दोनों प्रैक्टिकल जो स्टैंडर्ड 11th और स्टैंडर्ड 12th में, इनमें हमने सेटेलाइट्स की जो है वो हेल्प ली है। देन फिर से एक एक्टिविटी है, इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज दी गई है। गिव इट ए ट्राई, तो ड्रॉ ए सुटेबल ग्राफ फॉर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन इन टेबल 6.1 एंड राइट ए पैराग्राफ इंटरप्रेटिंग द डाटा। तो यहाँ पर एक टेबल दिया गया है और टेबल के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। यहाँ पर कंट्रीज है और उस कंट्रीज के जो पॉपुलेशन है कौन सी एक्टिविटी में एंगेज है उनका परसेंटेज दिया गया है। फॉर एग्जांपल प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटी। तो यहाँ पर है कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस सेक्टर इन द नेशनल इनकम इन परसेंटेज, तो ये सब परसेंटेज में दिए गए हैं नंबर। प्राइमरी एक्टिविटीज में कौन से कंट्री में कितने पीपल इंगेज है, सेकेंडरी में और टर्शरी एक्टिविटीज में, तो इनका हमें एक ग्राफ प्रिपेयर करना है और उस ग्राफ को हमें फिर उसका इंटरप्रिटेशन करना है, उसका कंक्लूजन हमें राइट डाउन करना रहेगा। तो यहाँ पर मैंने ग्राफ जो है ऑलरेडी यहाँ पर प्रिपेयर किया है जिसमें कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस सेक्टर इन द नेशनल इनकम को रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ से डेनमार्क, देन इंडिया, केनिया, न्यूजीलैंड, ये सबका परसेंटेज है। जो ब्लू लाइन है वो प्राइमरी एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रही है, सेकेंडरी एक्टिविटी जो है ये ऑरेंज शेड में रिप्रेजेंट है एंड टर्शरी एक्टिविटी यहाँ पर ग्रे शेड में रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर यहाँ पर हम डेवलप कंट्रीज देखें बहुत ज़्यादा, तो उनमें जो टर्शरी एक्टिविटी का परसेंटेज है इंगेज का पॉपुलेशन वो हमें ज़्यादा दिखाई दे रहा है, मोर देन 50% जो है बहुत सारी कंट्रीज में, डेनमार्क, इंडिया, देन न्यूजीलैंड, रशिया एंड यूनाइटेड किंगडम एंड USA, तो इनमें मोर देन 50% पॉपुलेशन जो है वो टर्शरी एक्टिविटीज में एंगेज है। इस तरह से हम इसका इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं इस टेबल में। मैंने ऑलरेडी बताया गया, सिर्फ आपको वर्डिंग में राइट डाउन करना होगा। और जो बहुत ज़्यादा लेस डेवलप कंट्रीज है, फॉर एग्जाम्पल अफ्रीकन कंट्रीज हो गई, फॉर एग्जाम्पल युगांडा, तंजानिया, देन केनिया, इस तरह की कंट्रीज में जो परसेंटेज है टर्शरी एक्टिविटीज में एंगेज पॉपुलेशन का वो लेस देन 50% है। केनिया में, देन ताजिकिस्तान में, तंजानिया, युगांडा, इस तरह से। तो इसलिए इनकी जो डेवलपमेंट है और जो GDP है वो बहुत ही कम पाई जाती है, और ज़्यादा डेवलप कंट्रीज के अंदर जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इंगेज पॉपुलेशन है वो बहुत ही कम है। डेनमार्क में ओनली 1% है, इंडिया में 14% है, न्यूजीलैंड में 7, तो लेस देन यहाँ पर मैक्सिमम जो कंट्रीज का परसेंटेज है वो 10% से कम है। सिर्फ इंडिया में 10% से ज़्यादा है प्राइमरी एक्टिविटीज़ में, जिनके 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है टर्शियरी एक्टिविटीज़ में इंगेज है। तो इस तरह से हम
तीनों एक्टिविटीज के तीनों जो सेक्टर है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटी उसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसका इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं थ्रू द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेबल। एंड वन मोर एक्टिविटी इज हियर, ऑलवेज रिमेंबर, तो यहाँ पर एक इमेज दी गई है जिसमें फीस फिगर के अंदर 6.5 है, यहाँ पर जो एक्टिविटीज है उसके यहाँ पर सेक्टर दिए गए हैं प्राइमरी एक्टिविटी सेकेंडरी टर्शरी, और यहाँ पर दो और एक्टिविटीज जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऐड की गई है, क्वार्टरनरी एंड क्यूनरी एक्टिविटीज। तो ये क्या है दोनों एक्टिविटीज, ये यहाँ पर हमें देखना है। जैसे कि हम प्राइमरी एक्टिविटी में जो है प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल होता है और उस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है मोर वैल्यूबल, और उसका ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है रॉ मटेरियल का इनटू गुड्स, तो इससे नए गुड्स एंड प्रोडक्ट जो है प्रिपेयर किए जाते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज में, जिनका प्रोडक्शन हमने प्राइमरी एक्टिविटी में किया था, और इस प्रोडक्ट्स एंड गुड्स को फिर यहाँ पर टर्शरी एक्टिविटीज में सर्विस और यहाँ पर बॉइंग एंड सेलिंग का जो है वर्क किया जाता है, इसे कंज्यूमर तक पहुँचाया जाता है गुड्स एंड प्रोडक्ट्स को, ट्रांसपोर्टेशन भी इसमें इंक्लूड होता है। तो इस तरह से ये तीनों इंटर रिलेटेड है, यहाँ पर रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन होता है, उस रॉ मटेरियल को गुड्स एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है, नई चीज़ बनाई जाती है, और फिर उस जो चीज़ प्रोडक्ट प्रिपेयर होता है उसे यहाँ पर फिर सेल करने का काम जो है वो टर्शरी एक्टिविटीज में होता है, बाय बाइंग एंड सेलिंग, और सर्विस प्रोवाइड की जाती है। देन यहाँ पर फिर न्यू एक्टिविटीज है, तो वो क्या है वो देखेंगे हम, क्वार्टरनरी एंड क्यूनरी एक्टिविटीज। कंसिडरिंग टर्शरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज द सर्विसेज इंक्लूडेड इन दिस सेक्टर आर वेरिड इन नेचर एंड हैव ए वेरी वास्ट कवरेज। तो जो टर्शरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है इनमें जो सर्विसेज इंक्लूड होते हैं तो इसका जो एरिया है और जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया है टर्शरी एक्टिविटीज़ का, डिफरेंट तरह की सर्विसेज इसमें मौजूद होती है इस सेक्टर के अंदर। देयरफॉर सम स्पेशलाइज्ड सर्विसेज आर नाउ कैटेगराइज्ड इनटू क्वार्टरनरी एंड क्यूनरी एक्टिविटीज, तो इसलिए ये जो टर्शरी एक्टिविटीज है इसको और ज्यादा डिवाइड करके और दो कैटेगरी बनाई गई है, क्वार्टरनरी जिसे फोर्थ एक्टिविटी कहा जाता है, ये फोर्थ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड जो फोर्थ रहेगा वो रहेगा क्वार्टरनरी एक्टिविटीज, एंड जो फिफ्थ है वो है क्यूनरी एक्टिविटीज जिसमें बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाती है। क्वार्टरनरी एक्टिविटीज रिफर टू दोज एक्टिविटीज वेयर टास्क इज टू थिंक रिसर्च एंड डेवलप आइडियाज, तो क्वार्टरनरी एक्टिविटीज में जो चीजें इंक्लूड की गई है जो सर्विसेज इंक्लूड होती है वो होता है टास्क होता है उनका थिंक, यानी कि नई नई चीजों का सोचना, उसके बारे में उसके बाद रिसर्च करना एंड नए नए आइडियाज को डेवलप करना, जिसमें रिसर्च ट्रेनिंग टीचिंग ये सब इंक्लूड होता है क्वार्टरनरी एक्टिविटीज में। जो लोग रिसर्च एक्टिविटी में इंक्लूड होते हैं, रिसर्च करते हैं चीज़ों की, देन ट्रेनिंग लेते हैं या टीचिंग जो प्रोफेशन है ये सब क्वार्टरनरी एक्टिविटीज में इंगेज होते हैं। दस दिस सेक्टर इन्वॉल्व एक्टिविटीज रिलेटेड टू एजुकेशन, मीन्स जो लेक्चरर होते हैं टीचर प्रोफेसर ये क्वार्टरनरी एक्टिव सेक्टर में होते हैं, देन इंफॉर्मेशन जो आईटी इंडस्ट्रीज में वर्क करते हैं ये सारे चीज जो सर्वेंट होते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में वो भी सब क्वार्टरनरी एक्टिविटीज में इंक्लूड होते हैं, एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो काम करते हैं बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर, ये एक डिपार्टमेंट होता है R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसमें न्यू न्यू प्रोडक्ट्स पर रिसर्च की जाती है, नए नए प्रोडक्ट डेवलप किए जाते हैं उन पर रिसर्च करके, तो ये जो रिसर्च करने का काम करते हैं और डेवलप करने का काम करते हैं ये सब क्वार्टरनरी एक्टिविटीज में इंक्लूड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल प्लानर्स, टैक्स कंसल्टेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, स्टेटिशियंस, पर्सन वर्किंग इन ऑफिसेस, हॉस्पिटल्स, थिएटर्स, स्कूल्स, टीचर एंड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, अकाउंटेंट्स एक्सेट्रा बिलोंग टू दिस कैटेगरी ऑफ सर्विसेज। तो ये सब जो
सर्विसेज है, ये सब कॉटिनरी एक्टिविटीज में इंक्लूड होते हैं, जिसमें ऑफिस वर्क होता है, हॉस्पिटल में वर्क करने वाले लोग होते हैं, थिएटर्स, स्कूल, टीचर, अकाउंटेंट, फाइनेंशियल प्लानर, टैक्स कंसल्टेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपर, ये सब जो है क्वार्टनरी एक्टिविटीज में इंक्लूड किए जाते हैं, जो फोर्थ कैटेगरी है इकोनॉमिक एक्टिविटी की। देन फिफ्थ कैटेगरी देखेंगे हम, क्यूनरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन्वॉल्व वर्क रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव कैरेक्टर। तो इसमें क्यूनरी एक्टिविटी में ये हायर लेवल की एक्टिविटी है, जिसमें जो वर्क रहता है वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव कैरेक्टर का रहता है, यानी कि जो डिसीजन मेकिंग रहते हैं, जो जिनके पास पूरी पावर रहती है डिसीजन मेकिंग की, ये उस तरह के काम इसमें किए जाते हैं क्यूनरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर। सीनियर बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल, साइंटिस्ट, जजेस एक्सेट्रा बिलोंग टू क्यूनरी एक्टिविटीज। तो क्यूनरी एक्टिविटीज में कौन से वर्क किए जाते हैं? डिसीजन टेकिंग एंड पॉलिसी मेकिंग, यानी कि ये जो डिसीजन लेते हैं वही सबको जो है उस डिसीजन को मानना पड़ता है, या जो पॉलिसी बनाते हैं वही पॉलिसी पे सबको यहाँ पर काम करना होता है। तो ये सबसे ज़्यादा इनके पास पावर मौजूद होती है। फॉर एग्जाम्पल जो सीनियर बिजनेस एग्जीक्यूटिव होते हैं वो जो डिसीजन लेंगे, तो जितने एम्प्लॉय है उस कंपनी के अंदर वो सबको वो फॉलो करना होता है। देन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए, फॉर एग्जाम्पल जो आईएएस ऑफिसर होते हैं या कलेक्टर्स वगैरह, ये सब इसमें इंक्लूड होते हैं। साइंटिस्ट हो गए और जज हो गए, तो ये सब क्यूनरी एक्टिविटीज में इंक्लूड होते हैं, क्योंकि जज भी जो रहता है ये डिसीजन लेते हैं, डिसीजन टेकिंग करते हैं, तो ये भी इस कैटेगरी में इंक्लूड किए जाते हैं। द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू टाइप्स इज दैट पीपल इन्वॉल्व इन क्यूनरी एक्टिविटीज आर इन्वॉल्व इन हाईएस्ट लेवल डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी मेकिंग। तो ये दोनों एक्टिविटी में क्या डिफरेंस है मेंस? तो दोनों मैक्सिमम जो है सर्विसेज सेम है, लेकिन जो हायर लेवल के डिसीजन रहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के, तो हाईएस्ट लेवल के डिसीजन और जो पॉलिसी बनाई जाती है वो क्यूनरी एक्टिविटी में बनाई जाती है। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई लेवल के डिसीजन लिए जाते हैं और हाई लेवल पर यहाँ पर जो है पॉलिसी मेकिंग का काम किया जाता है क्यूनरी एक्टिविटीज के अंदर। तो ये बेसिक इनमें डिफरेंस है क्वार्टनरी एंड क्यूनरी एक्टिविटीज के अंदर। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल अपलोड द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।